स्पॉन्सर्ड बाय फूड अड्डा, मुंबई फेमस फास्ट फूड ब्रांड। आज हमारी टीम पहुंची भीलवाड़ा के ऐसे भविष्यवक्ता के पास जिन्होंने आने वाले समय में राजनीतिक उथल पुथल व महंगाई के और बढ़ने के संकेत दिए हैं। 40 वर्षों के अपने ज्योतिष कार्यकाल में 107 बार हिमालय जाकर बर्फीली पहाड़ियों व गुफाओं में रहकर ज्योतिष विज्ञान में शोध और अनुसंधान कार्य करने वाले समुद्री दुनिया के इतिहास में प्रथम खोजकर्ता, शंख निधि विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंडित सीताराम त्रिपाठी, एक छोटे से गांव कालियास में जन्मे इनके अंतरराष्ट्रीय स्तर की लगभग 500 पत्रिकाओं में आलेख प्रकाशित हुए हैं। आपने शेयर बाजार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, देश विदेश की अनेकों भविष्यवाणी की जो सत्य की कसौटी पर खरी उतरी। हमारे बीच में विराजमान है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सीताराम जी त्रिपाठी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि जो अभी नवरात्र आने वाले हैं और अभी जो श्राद्ध पक्ष खत्म होने वाले हैं आज, उनके ऊपर कुछ जानकारी आपसे देना चाहेंगे। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में हिंदू धर्म रीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि श्राद्ध 16 दिन के होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को जोड़ करके। इस बार क्या हुआ, 17 दिन का श्राद्ध हुआ। श्राद्ध बढ़ना ठीक नहीं है, इससे महामारी और रोग प्रतिरोध क्षमता को कम करता है। लोगों में पुरानी बीमारियां डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी या वायरल जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यह श्राद्ध में श्राद्ध पक्ष की जो तिथियां हैं वो यदि बढ़ जाती है तो यह मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है। यह श्राद्ध अब की बार जो बढ़े हैं इससे जो कोरोना महामारी जो चल रही है यह तो कम होती जाएगी, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर जो पुरानी बीमारियां जो हैं वो उनको बढ़ावा मिलेगा और यह श्राद्ध बढ़ने से मानव जीवन में यह नुकसानदायक है, परेशानी आएगी और चिंता और तनाव का विषय बनेगा। इसलिए यह महामारी को तो जोर नहीं पकड़ने देगा, पर इससे कुल मिलाकर के मानव को नुकसान होने वाला है। श्राद्ध पक्ष में एक आम आदमी हिंदू जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उस संस्कृति में किन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए था? श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को, पितरों को तर्पण और श्राद्ध यानी उनको श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। लोगों में किसी के प्रति यदि श्राद्ध को लेकर के अपन श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं और श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते हैं या साधु संतों को भोजन कराते हैं, तो श्रद्धा से श्राद्ध को करना चाहिए। अपने पितर जो अपने पूर्वज हैं वो संतुष्ट होते हैं, क्योंकि 15 दिन 16 दिन जो ये है ये श्राद्ध के बहुत नजदीक, पृथ्वी के बहुत नजदीक अपनी पितृ आत्मा यानी जो अपने पूर्वज मरे हुए हैं वो स्वर्ग में गए हुए हैं, वो सब वापस श्राद्ध पक्ष में असंतुलन होकर के परिवार को भी असंतुलन कर देते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में सबसे नजदीक पृथ्वी पे आते हैं तो उनको संतुष्ट करने के लिए उनको भोजन, अपने ब्राह्मणों को भोजन कराने से या दान दक्षिणा देने से, श्रद्धा अनुसार देने से उनको लाभ होता है और श्राद्ध पक्ष में पितर खुश होते हैं। पंडित जी, जैसे नवरात्र शुरू होने वाला है तो इस बार सुनने में आ रहा है कि नवरात्रि शायद 9 दिन की ना होकर के 8 दिन की है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर? जी, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये नवरात्रा जो कल स्थापना होने जा रही है ये नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, किंतु इस बार श्राद्ध का बढ़ना और नवरात्रा का कम होना दोनों अच्छे सूचक नहीं है, क्योंकि इस बार नवरात्रा एक कम हो रहा है यानी 8 दिन के ही नवरात्रा होंगे, तो ये भी राजनीतिक उथल पुथल को भी बढ़ावा देगा। राजनीतिक उथल पुथल होगी और मानव जीवन के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नवरात्रा में 8 दिन में भी सभी प्राणीजन यानी मनुष्य अपने इष्ट देव को मजबूत करें और अपने माता की, अपने इष्ट की पूजा करें, इसलिए कि शांति बनी रहे। और बाकी नवरात्रा का कम होना मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, और निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति को ले लो, चाहे और अन्य राजनीति को ले लो, भारत की राजनीति को ले लो, कई राज्यों में उथल पुथल होने वाली है और 2 राज्यों में और बिल्कुल नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि श्राद्ध का बढ़ना और नवरात्रा का कम होना इस बात का सूचक है।
आपने कई तरह की भविष्यवाणी भी की है, पहले भी हमें पता चला है कि आपने कितनी तरह के शोध किए हैं, कितने आपने नई नई खोजें की है, तो अभी आपको जो राजस्थान की जो राजनीति चल रही है, अभी राजनीति में जो उठा पतल लग रही है, तो आप इनकी भविष्यवाणी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ज्योतिष के आधार पर राजस्थान सरकार में उथल पुथल, जब इससे राजस्थान सरकार की इस बार स्थापना हुई गहलोत सरकार की, वो अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई है, तो इसके होने के बाद में कई बार खींचतान उथल पुथल हुई। पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप में बहुत ज्यादा खींचतान का विषय बना रहा, अभी भी वर्तमान में भी नियुक्तियों को लेकर के और संगठन और सत्ता में खींचतान चल रही है। आने वाले समय में नवरात्रा के बाद में और खींचतान बढ़ेगी, अभी नियुक्तियां संभव नहीं है। और ये जो राज्य सत्ता में जो परिवर्तन अपन देख रहे हैं कि जो सत्ता विस्तार होने का है राजस्थान सरकार में विस्तार करने का, वो भी अभी नहीं हो पाएगा, ये अगले महीने में अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में ही हो पाएगा, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है। ये समय अभी होता तो बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी और राजस्थान सरकार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जैसे हर आदमी कोरोना महामारी से निकल के चुका है, तो अब ये कोरोना महामारी को देखते हुए आपकी क्या भविष्यवाणी है, क्या किस रूप में देखते हैं आपका ज्योतिष विज्ञान किस तरह से? हमारे ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कोरोना महामारी का जो ये महामारी आई, इसे बीमारियों से मनुष्य जूझे, कईयों को अपनों का साथ छोड़ना पड़ा, तो आने वाले समय में जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, मैं जोरदार शब्दों में डंके की चोट भविष्यवाणी करता हूँ कि तीसरी लहर जिस प्रकार चल रही है वैसे चलती चलती तीसरी लहर की हवा निकल जाएगी कि तीसरी लहर आ रही है, पर इस प्रकार का कोई मानव जीवन में अब नुकसान नहीं होने वाला है आने वाले समय में। बस इतना है कि आर्थिक व्यवस्था, व्यापारियों को ले लो या जो भी मजदूर वर्ग को ले लो, मध्यम वर्ग को ले लो, सारे इन लोगों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। यह साल पूरा इसी प्रकार निकलेगा। 2022 के बाद में मैं ये दंगे की चोट कहता हूँ कि आने वाला समय शुभ रहेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट जो सब पूरे संपूर्ण भारत की मतलब भारत के परिवारों की बढ़ेगी। अभी आने वाले समय में यह जरूर है कि शेयर बाजार जरूर बढ़ेगा, पर हर परिवार की जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सारा महंगाई भी बढ़ेगी, अभी मोदी सरकार है महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है, पेट्रोल के दाम चाहे ले लो, चाहे डीजल के दाम ले लो, चाहे अपने गैस रसोई सिलेंडर के दाम ले लो, तो ये महंगाई का ग्राफ कहाँ तक बढ़ेगा या घटेगा, आपका ज्योतिष विज्ञान आपका भविष्यवाणी क्या कहता है? मैं इस विषय में बहुत ज्यादा शोध कर चुका हूँ, आप अच्छे समय पर आए। ये मेरा कहना है कि आने वाले समय में मोदी सरकार के महंगाई और बेरोजगारी काबू नहीं होगी, ये एक प्राकृतिक आंकड़ा है, इस आंकड़े को मोदी सरकार काबू नहीं कर सकती है, बढ़ेगी महंगाई और बढ़ेगी। किंतु आने वाले समय में महंगाई के बढ़ने के बाद में भी 2024 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी और मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेगी। आपने बहुत से शोध किए हैं और आपकी पहचान एक अलग ही रूप में होती है, तो क्या आप बताएंगे अपने बारे में कि आपने किस किस तरह के शोध किए हैं? जी, मैं ज्योतिष को लेकर के आई एम स्पेलिस्ट कॉमिस्ट यानी अस्त्रेखा विशेषज्ञ हूँ, इसके साथ साथ मैं जन्म पत्रिका हॉरोस्कोप का भी विशेषज्ञ हूँ, पर एक जनरल विषय है, इस विषय पे ज्योतिष में भारतीय ज्योतिष विद्या के ऊपर बहुत सारे शोधार्थी हैं, मैं अकेला भी नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे साथी हैं पूरे इंडिया में। किंतु मैंने जो एक हट करके जो विषय पकड़ा है वो है शंख निधि। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने 40 वर्षों से लगातार हिमालय पे जाकर के शोध और अनुसंधान किया और उस पर खोज जो करने का मैंने एक दायित्व बनाया, एक दावा किया, वो है शंख निधि। शंख निधि एक ऐसा विषय है जो सीता माता द्वारा भगवान हनुमान जी को असिद्धि और नव निधि के रूप में मिली, उनमें प्रमुख है एक शंख निधि। इस विषय पर मैंने अकेला भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मैंने खोज करके, शोध करके, अनुसंधान करके समुद्री दुनिया के इतिहास में पहली बार मैंने एक खोज किया कि शंख निधि से मनुष्य जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि शंख निधि समुद्र में जो देवता और दानवों में युद्ध हुआ था उसमें से जब 14 रत्न निकले थे, लक्ष्मी, कुबेर, इस प्रकार के जो रत्न निकले थे, कामधेनु, गाय, इंद्र, तो ये जितने भी निकले हैं उनमें से शंख निधि भी, शंख भी एक निधि है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है। उसमें मैंने खूब सारा शोध किया और मैं विश्व का पहला शंख वैज्ञानिक हूँ, भारत का ही नहीं वर्ल्ड का पहला शंख वैज्ञानिक हूँ, और समुद्री दुनिया के इतिहास में मैंने इस प्रकार की खोज करके दुनिया को ये बता दिया कि शंख एक निधि है, इसकी सफलता प्राप्त करने के बाद में या मानव जीवन के में शंख से भी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि शंख अपने घर में स्थापना करने से बहुत सारी सफलताएं मिलती है, क्योंकि हर घर में शंख स्थापित होता है, हर मंदिर में आरती के समय शंख बजता है, शंख के बिना आरती संभव नहीं है। और यह भी पक्का है कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर के कुबेर, इंद्र,
और रावण से लेकर के जितने भी आज से पहले पूर्व के जो महान योद्धा या फिर महान या प्रभु विभूति हुई है, भगवान हुए हैं, उन्होंने अपना अपना संघ बजाया है। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, महाभारत में बजा करके उस समय का महाभारत जीता, जिसमें जीतने के बाद में उन्होंने संघ बजाया और संघ बजाने से सारी उनके सफलताएं प्राप्त की। आप एक मध्यम परिवार से जब आगे बढ़ते हैं, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आप अपना नाम, अपने परिवार और अपना नाम रोशन करते हैं, अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? वैसे मैं बहुत गरीब परिवार से जन्मा बच्चा हूँ। 40 साल के मैंने लंबे अनुभव में मैंने जो मेहनत की है, 107 बार हिमालय जाकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 107 बार हिमालय की यात्रा की। वहाँ मैंने नंदनवन, तपोवन, गोमुख, ज्ञानगंज, सिद्धा आश्रम, यानी चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ से की आगे मैंने 37 किलोमीटर आगे जाकर के बर्फ जैसी पगडंडियों में, बर्फबारी में और बर्फीली पहाड़ियों पर रह करके मैंने जो गुफाओं में रह करके जो शोध और अनुसंधान किया, जो मैंने कीर्ति या इतिहास जो बनाया, ये मेरी मेहनत, अपनी मेहनत के बलबूते मैंने ये शोध करके ये साबित कर दिया कि वास्तव में धार्मिक आध्यात्मिक पूंजी भी एक बहुत बड़ी पूंजी है, धन का होना आवश्यक नहीं है। मैं एक आध्यात्मिक पूंजी के आधार पर बहुत गरीब परिवार से जन्म लेकर के आज यहाँ तक आया हूँ, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पूंजी का मालिक हूँ। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? सबसे पहले मुझे ये प्रेरणा, सबसे पहले मैं हिमालय गया था 40 वर्ष पहले, तो वहाँ मैं जोशीमठ में, मैंने यह सुना था कि जोशीमठ में एक कल्प वृक्ष है, वहाँ मैं जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे, उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना आता था, तो वहाँ मैंने 7 हनुमान चालीसा का पाठ करके जोशीमठ में कल्प वृक्ष से ये कामना की कि प्रभु आप यदि वास्तव में मनोकामना पूर्ण करते हैं तो मुझे हर वर्ष यहाँ आने के लिए प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दो। वास्तव में उनके आशीर्वाद से मैं आज भी मानता हूँ कि एक भी वर्ष मेरा खाली नहीं गया। गत वर्ष कोरोना था तो भी मैं अंत में एक बार जाके आ गया, इस वर्ष भी मैं अभी 20 अक्टूबर को जाऊंगा, तो ईश्वर की कृपा रही कि मैं इस विषय पे हिमालय जाकर के मैंने जो शोध किया, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा रही, प्रेरणा मुझे वहाँ गया मैं। और फिर ज्ञानगंज में मेरे गुरुजी हैं अभी, उनकी उम्र लगभग 250 से 300 वर्ष बताते हैं, उनके पास मैं हर साल जाता हूँ, अभी 2 साल को छोड़ करके। वहाँ से मैंने संघ निधि सिद्धि ये वहीं से मुझे मिली, ज्योतिष में कई जो अनुसंधान किए, गणित किया, भविष्यवाणी जो मैं करता हूँ और मेरी जो सत्य निकलती है, ये सब ईश्वर की कृपा है। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि ज्योतिष के साथ गणना, गणित के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कोई भी हो कि साथ साथ गणना के साथ साथ सिद्धांत के साथ साथ साधना यदि किसी के पास है तो बहुत बड़ी उनकी भविष्यवाणी सत्य होती है। मैं भी इसी, मेरा यही आधार है कि मैं ज्योतिष गणना के साथ साथ साधना में लिप्त रहता हूँ हिमालय में जाकर के। इसी का कारण है कि 100% मेरी भविष्यवाणी सच होती है। आपको, आपने कई तरह के शोध किए, आपको कई तरह के अवार्ड मिले, आपका सम्मान हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने आपका सम्मान किया है, आप हमारे दर्शकों को क्या चीज बताना चाहेंगे, या अपने बारे में कोई ऐसी चीज है कि महत्वपूर्ण चीज है, या कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? ऐसा मेरे अपने जीवन में कई अवार्ड और कई मुख्यमंत्री द्वारा कई राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हैं, किंतु मैं ये इसके साथ साथ मैं जब हिमालय जाता हूँ शोध करता हूँ, तो मैं वहाँ से कई जड़ी बूटियाँ या कई वनस्पतियों का शोध करके लाता हूँ कि कोई बीमारी में काम आ जाए। एक भी बीमार यदि उस बीमारी से जूझ रहा हो, तैयार हो जाता, तो मुझे बहुत बड़ी सुगंध मिलता है, मुझे खुशी होती है। तो हर बार जैसे तेलिया कंद है या आरसा गब्बू है, इस प्रकार की जो दिव्य वनस्पतियाँ हैं जो हिमालय पे ही उगती है, जैसे ब्रह्म कमल खिल रहा है अभी, तो अभी मैं अक्टूबर में जाऊंगा तो निश्चित रूप से ब्रह्म कमल लेके आऊंगा। तो ब्रह्म कमल है, इस प्रकार की दिव्य वनस्पतियों से कई रोगों का नाश होता है। वैसे मैं आयुर्वेद में कुछ नहीं समझता हूँ, पर गुरुदेव की कृपा से मैंने हिमालय पे कई वनस्पतियों के ऊपर शोध और अनुसंधान किया है, जिससे कई बीमारियों का नाश होता है। तो मैं यह आकर के भिलोड़ा वासियों के लिए या भारत वासियों के लिए वहाँ साधना करता हूँ, तो ये कामना करता हूँ कि भारत सुखी रहे और भारतवासी मेरे जो भाई हैं वो सब खुशी रहे, और मेरे पास कोई आते हैं तो मैं उनकी सेवा करने में भी वनस्पतियों के द्वारा कोई चार्ज नहीं लेता हूँ और सेवा करता हूँ। तो आपने देखा जिस तरह से पंडित जी लोगों की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और भविष्यवाणी काफी आपकी जो सच निकली है। तो ये थे हमारे साथ पंडित श्री बिरोड़ा से नवारा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।